किशोर गुप्ता। आपको क्षेत्रीय सांसद से कुछ सवाल पूछना है? हाँ पूछना है। क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे बिजली की समस्या कब दूर होगी, रोजगार के लिए पावर प्लांट कब लगाया जाएगा, सिर्फ उद्घाटन और शिलान्यास करने से काम नहीं चलेगा, मैं ये सवाल उनसे पूछना चाहूँगा। इस बार का लोकसभा चुनाव किस आधार पर आप देंगे? विकास के आधार पर दूंगा, रोजगार के आधार पर दूंगा और बिजली कम से कम 20 घंटा मिले उस पर दूंगा। आपकी आने वाले सांसद से आपकी क्या उम्मीद रहेगी? आने वाले सांसद से यही उम्मीद है कि यहाँ पे भवनाथपुर में या गढ़वा जिला में लाइन 20 घंटा कम से कम दिया जाए, हटिया ग्रिड से जोड़ दिया जाए यहाँ के लाइन को, पावर प्लांट पर जल्द काम शुरू किया जाए, यही आशा करता हूँ। इसलिए मोदी जी के नाम पर वोट दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार जनता को ये चाहिए कि विकास मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अपना मतदान करें और मैं लोगों से ये अपील भी करना चाहूँगा कि वो हर हाल में अपना कीमती वोट जो है जाकर अपना मतदान जरूर से जरूर करें। क्या नाम पड़ेगा आपका? जय कुमार यादव। आने वाला संसद से क्या मांग करते हैं? आने वाला संसद से मैं यही मांग करता हूँ कि मुझे रोजगार चाहिए, धंधा चाहिए और क्या। अभी के जो सांसद हैं उनसे आप खुश हैं? नहीं, उनसे तो खुश नहीं, हमें कुछ उस तरह का अभी नहीं मिला है। किस मुद्दा पर वोटिंग कीजिएगा, मतदान किस मुद्दा पर आप कीजिएगा? हमें रोजगार चाहिए, महंगाई दूर चाहिए, यही सब चाहिए। महंगाई दिनों दिन बढ़ते जा रहा है और आदमी को रोजगार कुछ मिल नहीं रहा है। आपका नाम? मेरा नाम बच्चू राम। कहाँ से बोलिए? बच्चू राम। अभी जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है जी, और इसमें क्षेत्रीय जो सांसद है उनसे आप सवाल कुछ करना चाहते हैं? हाँ, सवाल तो करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ अभी तो 5 साल अभी इनका सरकार राज हो कि हमारे यहाँ एक छोटा सा रोड भी नहीं बन पाया, जो कि हमारे पिच रोड से नहीं जोड़ा पाया। आपका घर कहाँ पड़ेगा? हमारा घर बेल पहाड़ी में पड़ता है, इसे ग्राम तो पंडरिया है, 16 बेल पहाड़ी, जो कि अभी मुस्कैनी पहाड़ से बस्ती तक जाने के लिए हमारे यहाँ रोड नहीं है, सड़क नहीं है, सड़क भी नहीं है। और क्या सबसे समस्या तो हमारे यहाँ यही है, बहुत बड़ा समस्या है जो कि हम लोग मैंने बहुत दिक्कत से जाते आते हैं। इस लोकसभा चुनाव में आपको क्या उम्मीद है? उम्मीद तो अब ये कुछ नहीं कहा जा सकता है कि आने वाले सांसद से क्या उम्मीद रहेगी, अब आने वाला समय ना बताएगा कि क्या होगा, अब तो टाइम। क्या नाम पड़ेगा आपका? डॉक्टर रामलाल गुप्ता। रामलाल जी, अभी प्रेजेंट सांसद से अभी वर्तमान में जो बी डी राम जी सांसद हैं उनसे आप खुश हैं? नहीं, खुश नहीं है। किस मुद्दा पर वोटिंग कीजिएगा? मतदान सिर्फ मोदी के चलते। यहाँ का क्या मुद्दा है? यहाँ का मुद्दा है पावर प्लांट, सीमेंट फैक्ट्री और डोलोमाइट वाला जो फैक्ट्री है भवनाथपुर का, भवनाथ प्लांट चलना चाहिए, पुनर्धार होना चाहिए। पीछे आने वाला संसद से क्या आशा करते हैं, व्यवसायियों के लिए क्या करें? आने वाला संसद से हमको कुछ अंदाज नहीं लग रहा है, सिर्फ हमारा भरोसा सिर्फ मोदी पर है। अगर वो चाहेंगे तभी वह यहाँ का जीर्णोद्धार हो सकता है, और नहीं तो संभव नहीं लग रहा है। मोदी पर भरोसा है? हाँ, सिर्फ मोदी पर भरोसा है, संसद पर हमारा भरोसा नहीं है। गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।